नमस्कार, बन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश भर में उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा शनिवार को समाप्त हो गई। बिहार के पटना, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ समेत अन्य जगहों पर नदी के घाटों पर छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। इसी के साथ लोक आस्था का यह 4 दिवसीय पर्व सम्पन्न हो गया। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने पटना कॉलेज घाट पर उषा अर्घ दिया। इस दौरान कहीं कहीं कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी की गई। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखे गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घाट पर लोगों की भीड़ है। इस दौरान ना तो उनके मुंह पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि गंगा घाट पर कोरोना वायरस का असर साफ नजर आया। यहां कई लोग छठ पूजा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाकी साल के मुकाबले इस बार यहां पर लोगों की भीड़ काफी कम थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। 15 साल पहले मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से नीतीश कुमार अर्घ देने की परंपरा निभा रहे हैं। हर साल स्टीमर पर सवार होकर गंगा घाट जाने और वहां पर व्रतियों से मिलने वाले नीतीश कुमार ने इस साल घर पर ही छठ पूजा की। नीतीश कुमार मास्क लगाकर पूजा करते नजर आए। बता दें कि बिहार और पूर्वांचल में छठ पूजा का बहुत महत्व है और इसे पूरे उत्साह और स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।